हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। ऐसे फंड करते हैं नहीं कैमरा सामने आते ही। तो आज मैं पहन के आई हूँ सूट, और मैं बिंदी बूंदी लगा के इसलिए आई हूँ क्योंकि आज जा रहा हूँ अपने गाँव। आज जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, पिंड जा रहे हैं, पिंड इस करके जा रहे हैं क्योंकि उत्थे छोटा जा काम सी कोई, और मे बी मैं व्लॉग उत्थों का शूट ना ही कर पावा। कर पाएंगे, करेंगे, चलो ये करेंगे तो करेंगे, मैं तो कर नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आती। मैं इस गरीब फोन से कराना छोटी सी, बस करो। आज का व्लॉग शुरुआत किया मैं अपने आईफोन 14 तो, जेड़ा मैंने अपनी किडनी बेच के लिया सी। और मैं अभी एक्चुअली बालों को थोड़ा सा ब्रेड ब्रेड बना लेती हूँ क्योंकि वहाँ खोल के ऐसे बाल दूंगी, काम बहुत है वहाँ पे करना मेरे को जाके, तो ये अच्छे नहीं लगे हुए। और नेल भी रिमूव करवाने पड़ेंगे क्योंकि ये नेल हो गए हैं बहुत पुराने और गंदे लग रहे हैं। तो हम लोग एक बार आए थे मार्केट, एक तो मैंने लेना अपने फोन का कवर, और एक आज हमारे यहाँ पे ना लड़का है अंकुश सलोन में एम्प्लॉई, तो उसका बर्थडे है, तो हमने सोचा कि हम निकल तो रहे हैं उससे पहले पहले उसका केक भी कटवा जाते हैं और उसको गिफ्ट भी दे देते हैं, तो उसके लिए हमने उसका गिफ्ट परचेज कर लिया। और अभी जा कहाँ रहे हैं? अभी कवर लेने, हाँ अभी कवर रह गया था वो लेने जा रहे हैं, और इस फोन की क्लैरिटी सच में है ना काम आ रहा है, पर ये बड़ा साइज है तो मेरे हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा है, कैरी करना मुश्किल। आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमने कवर भी परचेज कर लिया मार्केट से, आए हुए थे मार्केट में, और अभी हम निकलते हैं सलोन के लिए, वहाँ थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर जाते हैं गांव में। जिंगल अलग है, गांव में जाते हैं। ये वाली चीज ये कल पता क्या बोल रहे हैं सारे कि बर्थडे यहाँ मनाना है, वो सर्दियों का जुगाड़ करने में जैसे बोल रहे हैं। हंस रहा है मनवीर, और यहाँ मैं करवा रही हूँ अपना हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल मतलब चोटी पोनी जो भी गुत कहते, वैसे इन पंजाबी च, मैनू हिंदी च नहीं पता हिंदी च की कहते, चोटी चोटी, तो मैं करवा रही हूँ गुत क्योंकि मैं चली हूँ सहुरे, हो गई है रेडी, तो निकलते हैं फिर रस्ते का भी जो भी होगा तुम्हें दिखाने। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮਨਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਓਹ ਨੀਲੀ ਬਿਲੀ ਕਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਨੀਲੀ ਬਿਲੀ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ। तो हम लोग चले चले हो गए हैं, काफ़ी दूर पहुंच गए हैं, और अभी रास्ते में रुके हैं हवेली पे, ये ज्योति खड़ी उधर से, साथ में दीदी भी थे, वो वॉशरूम के पास धो रहे हैं आज, अभी यहाँ से कुछ खाते पीते हैं। हाँ जी, अंदर बाथरूम साफ है, वो यहीं चले गए दीदी, तो निकलते हैं फिर यहाँ से घर के लिए। उधर उनको देख लेते नहीं नहीं कुछ बोल रहे थे, मैंने यही करना है, कुछ भी बोलो मैंने कैमरा उठा लेना सीधा। मैं हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जब भी कोई आगे से उल्टी बात करे तो हंस के टाल दो, तो वही तो करती हूँ मैं, व्यूअर्स को भी पूछो अच्छी बात है, तो भाई वही तो करती हूँ मैं, और क्या करती हूँ, मेरे साथ लड़ता है कोई, इसका मतलब तुम ले। और वो देखो हमारे राजाओं को क्या बात भैया। ये मतलब दीदी सागर हमारा, हाँ। उनके लिए रोटी लेके खड़ा है, और उनके भाव देख लो आप। तो अभी अपन एक मॉर्निंग विश कर ले, कितने दिन हो गए, घी नहीं, दो दिन हो गए बिल्कुल, मैं कहा आप कंगी कर रहे थे ये। हेलो एवरीवन, मतलब हेलो सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राम राम, कैसे आप सब लोग, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
तो हम दोबारा आ चुके हैं वापिस अपने लुक में। अपने लुक में क्या मतलब, पहले दो दिन हम घर चले गए थे एक्चुअली, तो घर पे एक होता है अपने मतलब कुछ जरूरी काम ऐसा था कि वहाँ पे मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई ब्लॉग व्लॉग। इनको मैंने बोला था पीछे से करते रहना, इन्होंने भी कुछ नहीं, नहीं फोन नहीं चला, चला ही नहीं। क्यों? वो कुछ भी कर रहे थे ना तो वो हैंग हो रहा था, दो चार क्लिप्स ही ले पाए हम उसमें। अच्छा, तो फिर इन्होंने भी कुछ नहीं कैप्चर किया, तो आज से आज के बाद फिर हम आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देंगे। और फिर हम आज, तो ये आपने उस दिन करवाए थे ना कलर्स हाइलाइट्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। बट बहुत लोगों ने बोला कि आपको सूट नहीं कर रहा, किसी ने बोला बुड्ढी लग रही है। नहीं, वो आगे वाली जो लेयर है ना उसकी वजह से थोड़ा सा लुक में आ ही जाता है फर्क, अदरवाइज अच्छा लग रहा है। बोल रहे थे कि बुड्ढी लग रही है, तो ऐसा नहीं है, बुड्ढी बड्डी कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो बुढ़ापा है वो दिखना भी चाहिए। तो ये मेरे ओरिजिनल वाला है, इसमें मैंने कलर नहीं किया। और यार डोलू शाह देख रहे हैं इनका चल क्या रहा है, ये सच में ऐसे देख रहे हैं। तो अब मैं हो गई रेडी, चले अब ऑफिस। बिल्कुल, मैं वही तो खुले चावल है वहाँ पे, खुले चावल। हाँ, 11 किलो खुले चावल ले ली, ठीक है, 11 किलो जो 5 किलो गुड़ बहुत है, जो सामान डलता है वो बहुत है, बाकी सौंफ ड्राई फ्रूट्स जेडे उच्च पेंदे वो सारा कुछ लें, ठीक है। और भी कुछ पेंदा, क्यों भी पेंदा है, सिद्धि नहीं मान ले, कितने किलो क्यों पाएगा, किलो 2 किलो ज्यादा दे दो, वो दे देगा वापिस। तो आज हम शाम को जाएंगे दरिया पे, और देख लेना वैसे तो पहले देने चाहिए थे अपने को चावल, नहीं तो ये अगली बार बनेंगी, फिर दे हफ्ते बन जाएगी, कल बन जाएगी। और मिर्च एक होता चार है, अनार भी पड़ा है, ये ना रास्ते में नहीं है, खोलना नहीं है, देख ले चार के लिए भी लड़ रहा है वैसे, मीठा आम बड़ी मीठा, लहसुन लहसुन बहुत बढ़िया, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, मेरी नानी तो मेरे से पहले ही मर गई, सागर फ्रूट दे आई भाई जी मैं, चलें स्वाति। तो हम लोग आ गए हैं ऑफिस, और सच्ची में स्वाति है तो बुड्ढी लग रही, और ये मेरे को कलर जो करने का सजेशन दिया था, ये दिया था मोनिका ने, मोनिका बोल रही थी कि अच्छा लगेगा, थोड़े थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक 3 दिन हो गए हम घर गए हुए थे ना, तो वहाँ पे पानी वानी मैंने सिर में डाल लिया, और एक मैंने यहाँ से मैं चोटी करवा के गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने चोटियाँ खोली नहीं है, आ जाके खोली तो वो वेव्स बने हुए, तो पहले मैं करवाती हूँ वॉश, उसके बाद कुछ करते हैं। और इधर हमारे मैडम जी, हेलो मैडम जी, हेलो कैसे हो, बढ़िया, अच्छा एकदम बढ़िया। तो आज मैडम ने पहना सूट और ऊपर बनारसी दुपट्टा, और किधर गई ये, मैं इधर ही हूँ, अपने आप को क्यों छुपा रहे हो, नहीं वो हाथ फिर इधर जाते हैं ना, मैं इस साइड बैठी हूँ ना, क्या दिखा रही है, सिंदूर लग रहा था ना वो दिखा रही थी, ससुराल जाके आई हूँ इसलिए सिंदूर लगाया हुआ था। तो यहाँ मेरा फ्रूट आ गया, क्योंकि आज थर्सडे है और मेरा फास्ट है, और गोयल गोलू गोयल गोलू खा ले, मुझे कभी कभी नहीं फ्रीक, मेरी ना बिल्कुल तबीयत सही नहीं है, मेरा फ्रूट अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि पर तेरी रात से ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी ना, बायल ने बोला कीवी मत खा, बनाना मत खा, अनार मत खा, तो एप्पल खाने का मन नहीं करता मेरा, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि घर जाके ना बेसन का हलवा होता है ना वो खाऊंगी, वो खा, क्योंकि उससे ना ये जो कोल्ड होता है वो ठीक हो जाता है, पर पानी मत पी लियो, हलवे के ऊपर बिल्कुल ही नहीं, हलवे के ऊपर पानी पीना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पीना, आधा घंटा घंटा तक तो बिल्कुल सो जाओ। और मैं खा लेती हूँ अभी अपने फ्रूट, पायल पायल बाहर गई थी, मुझे दिख नहीं रही, तो बोलू भैया की रिपोर्ट आ गई क्या, वो जो उस दिन इतनी खराब आई थी, यार रिपोर्ट इतनी खराब नहीं थी, वो ना 1,13,000 था, मैंने 13,000 पढ़ लिए थे, हाँ सच में, सच में 1,13,000 थे, और मैंने उसको सिर्फ 13,000 पढ़ लिया, मतलब 1,30,000 थे, कुछ ऐसे था, मैंने गलत फ्रंट वाला पढ़ लिया, मैंने 1 0 नहीं लगाया,
तेरे को मैं दिखाती हूँ रिपोर्ट के अंदर, और तू बोल रही ना स्वाति की पापा की इतनी कमर थी, हाँ। पापा 13,000 में एकदम फिट है। मैंने बता मेरे को टेंशन हो गई थी, मैंने स्वाति के पापा से जैसे मेरे को पता चला ना, तो मैंने बाद में दोबारा बात की स्वाति से। अच्छा। मैंने बोला उस डॉक्टर से पूछ के बता, स्वाति ने डॉक्टर से बात की, वो बोलते फटाफट एडमिट हो जाओ भी, इतना रिस्क ना लो तुम। नहीं नहीं यार वो यार रिपोर्ट ना मैंने तेरे को दिखाती है, रुक जा, ये देख 1.5 लाख से 41 लाख होनी चाहिए, 1,30,000 मैं बोल रही हूँ भैया मत लो रिस्क, चले जाओ अब चले जाओ। मैं मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी इनकी 13,000 ले जाए, मम्मी कह रही गोलू संदीप को बोल घर से बाहर निकली, इतनी कम्प्लीट लेट है तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रीड का फोन आ गया, 13,000 बहुत कम होती है, फिर देखा कम तो है फिर भी 1.5 लाख होनी चाहिए, 1.5 लाख बट 1,30,000 बहुत अच्छे हैं, 1,30,000 है, 20,000 फिर भी कम है, बट मैंने तो 1,30,000 को बना दिया 13,000। तो एक तेरे को शक्ल दिख रही है सामने से आती हुई, आहा ब्रीफ केस लेके ऐसे कहाँ से आ रहे हो? मीटिंग में जा रहा हूँ अभी, 5 मिनट में। कौन सी मीटिंग, बात तो सुन लो। ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आ गई कनाडा, तो इंडिया इंडिया पहुंच गई है, कनाडा फ्लाइट उतर चुकी है, फ्लाइट मेरी उतर गई है, तो हूं मैं ऑटो पे बैठन लगी हूं। गाइस मैं आ गई कनाडा, और कनाडा में भी ऐसी सड़कें हैं। हां बस तो आज एक मेकअप है, तो किसी ने घर पे मेकअप करवाना है मतलब, तो हमारे दोनों आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट जा रहे हैं मेकअप करने, स्वाति और मैं जा रहे हैं, हम कहीं बाहर बाहर जा रहे हैं। आ गया आपका ऑटो, चलो आ गया ऑटो मेरा, मैं तो बैठूंगी, बैठन लगी। गाइस मैं बैठ गई हूं ऑटो च, 10 रुपये लगनगे मेरे, तो मैं हूं पहुंच जाना सुषमा च, जिथे क्लाइंट का मेकअप करना, क्लाइंट का मेकअप करना। नना ये आपकी गाड़ी की बेइज्जती कर रही है, इसका मतलब 10 रुपए का ऑटो बता रही है इसे। नहीं नहीं ये ऑटो में बैठने वाली है ना, इसीलिए बता रही है। वही इसको पता है मैंने ऑटो में बैठना है, मेरे को वही मालूम है ना, और कनाडा में हमारे ऑटो चलते थे ना 10 रुपए वाले। चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को अब ऑटो में बिठा के भेजूंगी, नेक्स्ट टाइम कोई मेकअप होगा ना मैंने तेरे को कभी, नेक्स्ट टाइम मेकअप जो होगा ना वो गाड़ी पे नहीं छोड़ के आना, एक तो इतनी केयर करो भी बच्चे पैदल ना, दूसरा बच्चे बता रहे हैं कि ऑटो में जा रहे हैं। नहीं 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 मैंने कनाडा की बात की है, ये तो बड़ी बात, यहाँ की बात ही नहीं करती, यहाँ की बात नहीं कर रही सर, समझ गई है। अच्छा आगे वेट कर रहे हैं प्रीतो का, ग्रीन यार सेविंग के लिए खड़े। नहीं नहीं पाप कोल्ड ड्रिंक नहीं है, क्या कोल्ड ड्रिंक पूछ रहे थे, कहने मैम कोल्ड ड्रिंक, मैं कह नहीं नहीं सॉरी, उन्हें पता नहीं फ्लाइट तो उतरी होने होने मैम, ते लैंड होने हुई थे, टैक्सी च बैठी है। हाँ फिर समझा करो, ड्राइवर देख लो बड़ा बड़ा हैवी ड्राइवर रखा है तूने, हम लोग अभी निकल चुके हैं, आज रजनीश जी की करनी है शॉपिंग, तो पीछे स्वाति जी अपने फोन पे बिजी हो रखे हैं, तो ऐसे के लिए मेरे को जुराब लेके आनी है सिर्फ, और कुछ नहीं लाना। आहो जुराब लेके आनी है, फिर बोलते रहते मेरे कपड़े नहीं दिलाती अपने लेती, आज स्पेशल हम जा रहे हैं कपड़े दिलाने लड़के के। क्या वाह 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 कहते हो, सच्ची में जाते हैं? मतलब अच्छी बात है, तो एलांटे जाते हैं वहां से करवाते हैं इनकी शॉपिंग, और फिर देखते हैं उसके बाद का प्लान क्या रहेगा। हो गई शॉपिंग, जीजू की कंप्लीट हो गई, जब मैं लेके आती हूँ पसंद नहीं, और अगर वो जुराबे भी नहीं टिकी ना तो फिर आप बोलने लायक नहीं बचोगे, फिर जितनी मर्जी ले जाओ। शर्ट पूछी हुई है, मोटे स्टेप में ले लो, मोटे स्टेप में ले लो, नहीं अच्छी लग रही वो बोला। नहीं नहीं बताओ पहले बताओ, माड़ी लग रही है? नहीं मैंने नहीं बोला माड़ी लग रही, अच्छी लग रही। ले लो क्या उनमें से? नहीं नहीं ये हाँ वही नीचे लगी हुई है शायद। ओ ये नहीं लगी हुई नीचे, बता देता हूँ मैं आपको,
वैसे फ्री पड़ेगी आपको मिल रही है, वैसे वो 10,000 की टिकट है। चलो वो तो वो पेमेंट कर रही है उधर चलने की पेमेंट करके, बहुत लेट हो गया काम भी है। जब खुद के खरीद के देखना बैग दिखाना अपने एक बार दिखाओ तो सही है पीछे से खुद के इतना कुछ खरीद के। अरे हमारे टाइम पे चलो मैंने कुछ ही नहीं लिया अभी ट्राई करते अभी 99 का अभी ऑर्डर किया खाने के लिए कुछ बैठे हैं तो वो मैं बोल रही हूँ एक छोले भटूरे और क्या बोल एक पूरी और एक मसाला डोसा तो मसाले डोसा मैं रुक रुक के लाइए बोल रुक रुक के लाना मतलब पहले छोले भटूरे ले फिर पूरी भाजी ले फिर मसाला डोसा ऐसे नहीं बोला मैंने ही बोला ध्यान रखना जैसे दूसरा दे देना जैसे मतलब वो हमें ही देखते रहे भी हाँ उनका खत्म हो रहा है अभी देख के आना है इनका कभी खत्म नहीं होता ये कहीं चले जाए इनका ये फन हमेशा चलता रहे चलना ही चाहिए और उसको फिर एंड में से क्या बोल रहे पानी दे दो थोड़ा सा Yes, we are mad. We are mad. Actually, अब तो आज तक पता चल ही गया मेरे को। तो यहाँ पे हमारा मसाला डोसा आ गया और ये ठूंस रहे हैं फटाफट दोनों जीजा साली मैंने भी एक साइड से ठूंसा मैं यही बोलने लगी थी जब भी हम खाना स्टार्ट करते हैं तभी कैमरा ऑन कर लेते हैं अपनी बारी भी नहीं थी खाएगी मैंने भी ठूंसा है मैं खा रही हूँ मैं बता तो रही हूँ ये तो डाइटिंग पे है करते हैं आज शॉपिंग करके हम जा रहे हैं वापस शॉपिंग में क्या खरीदा जराब का जूड़ा दीदी जब भी शर्म नहीं आ रही है मैंने खरीदी सच में ये बंदा बड़ा खराब है स्वाति इतनी शॉपिंग करने के बाद भी बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं खरीदा हमने नहीं खरीदा दोनों ने कुछ भी जैसे गई थी वैसे आ गई है बिल्कुल इजी टू वे क्या इजी टू बोलने में वैसे ही आई उन्होंने कुछ ही नहीं खरीदा और तेरा घुघरिया लगा दी क्या खरीदा है मोल को खरीद लो उसको तुम भी खरीद सकते हो चलो मुंह में घी शक्कर वो भी खरीदा जाएगा अलांटे हाँ बता जिस दिन अलांटे खरीद लिया उस दिन तो फिर अलांटे में जाना थोड़ी है अलांटे वाली घर आएंगे सही बात है ना किसने खाए जूते किसने खाए उधर देख तमाशा देख इसका किसने खाए जूते किसने खाए नहीं बेचारा सागर बेचारेगा तेरे को तूने खाए ये जूते देखना है आपने बिगाड़ रखा है भैया इनको मैं बता रही हूँ आपके राज में ये देख पीछे छुप रहा आपके राज में जूते चप्पल सब खा गए दीदी नहीं तूने खाए ना ओए डोलू दाई मेरे नए फुटवियर खा गया वो उठा ले किसने खाए तूने खाए आई चपेट क्या बोले बंदा तूने खाई इसको पता है तुम्हारा खाएगा तुम्हारा अब तो देख भी नहीं रहा है नजर भी नहीं मिला रहा इधर मेरे मुंह की ओर देख नजर भी नहीं मिला रहा जूते खाए ना चप्पल भी खाई थी ना उस दिन वो दूसरा देखिए वो टेबल के नीचे वो कहा है टेबल के नीचे हरकतें दोनों ही करते हैं ये कहा है ओए डॉल की के भाई इधर आ तू वो देख छुपा हुआ ये देखिए इसका ये गया भाई के पास और वो तो पढ़ने वाला है क्या सच में वो देखो दोनों के कैसे देख रहे हैं सारे अब खाएगी तो तेरे को मैं बताऊंगी दीदी ये सारे ही खा गए यार मतलब ना रोना भी आ रहा है गुस्सा भी आ रहा है हंसना भी आ रहा है पहले तो इसने तेरी तीनों दोनों वो दूसरे वाली चप्पल तीसरी वो खाई फिर इसने नए में पैर लेके ही वो दूसरी वो खा ली और निकाल के ला के वहां से शू रैक में से क्या कहा है अभी किसने खाए ये सही है ये तो बच्चे वाला काम है तुम्हारा लक्षण देख ले इसके देख ही रहे क्या ही करे बंदा इनका
गुस्सा भी आता है और फिर ये होता है अब क्या बोलना, बच्चे नहीं रह रहे ये, जिस हिसाब से ये ऐसे दिखा दिखा के लेके आते हैं ना जूते, चिड़ा चिड़ा के और दोनों ही बैठे हैं। हेलो ब्रोस, एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी गाइस, आप बाहर निकलो जरा, मुझे तो सागर के पास चल गई, ये तुम्हारा सागर भी पिटेगा अगर दोबारा चप्पल खा लिए तो। सागर के पास चल गया, वो बेचारे बहुत चल गया छोटू, शाह रिस्क नहीं ले रहा बाहर निकलने का, उसको ये कि बचा लिया सागर ने, पर वो नहीं रिस्क ले रहा मास्टर भी उसको पता है कि सागर को पास से करके हमें पिटेंगे बहुत। सच्ची।